गोरखपुर में कायाकल्प अवार्ड के लिए इस वर्ष भी महिला अस्पताल तैयार हो चुका है। लखनऊ की 3 सदस्यीय टीम शनिवार को महिला अस्पताल की साफ सफाई व संसाधनों के रखरखाव की गुणवत्ता देखकर ग्रेडिंग तय करेगी। आपको बता दें, लगातार 3 वर्ष से अस्पताल कायाकल्प के मानकों पर खरा उतर रहा है। महिला अस्पताल में हर रोज करीब 500 मरीज ओपीडी में अपने डॉक्टर्स को दिखाते हैं। इनमें बड़ी तादाद गर्भवतियों की होती है। एमसीएच विंग, SNCU, KMC व NRC के साथ ही यह अस्पताल कुल 339 बेड का है। पिछले 3 सालों से यह अस्पताल लगातार कायाकल्प का अवार्ड जीत चुका है। SIC डॉक्टर जय कुमार ने बताया कि महिला अस्पताल अपनी तैयारियां कर चुका है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिला अस्पताल के SIC डॉक्टर जय कुमार ने बताया, जिला महिला चिकित्सालय गोरखपुर में एक राज्य स्तरीय टीम आई है। इसमें 3 सदस्य हैं और ये कायाकल्प के निरीक्षण के नाम से हमारे हॉस्पिटल का निरीक्षण होगा और उसमें ये हमारी सेवाओं की गुणवत्ता को परखेंगे। इसके पहले भी कायाकल्प की जो हम लोग इसको 3 बार पास कर चुके हैं और उम्मीद है कि आज चौथी बार भी पास करेंगे। क्या तैयारियां हैं जिला महिला अस्पताल? जिला महिला चिकित्सालय को जो भी आदेश निर्देश राज्य स्तर से मिलते हैं उनकी एक चेकलिस्ट होती है। हम लोग उसी चेकलिस्ट के आधार पर अपनी तैयारियां करते हैं और गुणवत्ता का जो स्तर राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया हुआ रहता है उस पर खरे उतरने की भर्ती करते हैं।